साल 2023 खत्म हो चुका है लेकिन शुरुआत हो चुकी है साल 2024 की। और ये साल इसलिए भी खास है क्योंकि इसी साल लोकसभा का चुनाव होने वाला है, जिसके लिए चाहे वो बीजेपी सरकार हो या फिर विपक्षी पार्टियां या फिर विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस हो, ये सभी अपनी अपनी रणनीतियों में जुटे हैं और तरह तरह की चीजें अभी सामने आ रही है, चाहे वो राजनीतिक तौर पर देखें चाहे वो दूसरी तौर पर देखें। तो सरकार के सामने चैलेंज क्या होगा 2024 में, चाहे वो बीजेपी सरकार हो। अगर बात करें विपक्षी पार्टियों की या इंडिया अलायंस की, तो उनके सामने क्या चुनौती होगी, चुनाव आयोग का यहाँ क्या रोल होगा और 2024 में चुनाव आयोग के सामने कौन सी बड़ी चुनौती सामने खड़ी होगी, आंतरिक सुरक्षा का मामला हो या विदेश नीति का मामला हो, यहाँ सरकार के सामने कौन कौन से चैलेंजेस रहेंगे, तो आज इस रिपोर्ट में यही जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी की। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है, तीसरी बार इतिहास रचते हुए सरकार बनाना, केंद्र में केंद्र की सत्ता हासिल करना, जो कि सिर्फ नेहरू के काल में कांग्रेस ने किया था। दूसरी चीज ये है कि 370 आर्टिकल 370 हो या फिर राम मंदिर हो, इसके बाद बीजेपी का मुख्य फोकस अगर किसी में होगा तो वो है कॉमन सिविल कोड, इसे लेकर बीजेपी आगे बढ़ेगी। तीसरी सबसे बड़ी चीज है कि दक्षिण भारत में बीजेपी को अपना विस्तार बढ़ाना होगा और ये सबसे बड़ा चैलेंज बीजेपी के सामने है, क्योंकि जिस तरीके से तेलंगाना हो, कर्नाटक हो, कांग्रेस ने वापसी की और इतिहास रचा है जीतने के बाद, तो दक्षिण भारत में अभी बीजेपी की एंट्री होनी मुश्किल है। तो 2024 में ये बीजेपी के लिए बड़ी कह सकते चुनौती हो सकती है। एक और बात कि जिस तरीके से नए क्रिमिनल लॉ लाए गए हैं, तीन कानून लाए गए हैं और उनमें जो जो चीजें मेंशन की गई है, चाहे वो आतंकवादी से रिलेटेड हो या फिर जो जो नए कानून ऐड किए गए हैं, पुराने हैं, उसको लेकर पार्टी किस तरीके से उसको मैनेज करेगी, किस तरीके से वो लागू होगा, इस पर भी सरकार को देखना होगा। जुडिशियल सिस्टम बेहतर बनाने के लिए 2024 में काम करना होगा। ठीक इसी तरह जनगणना में देरी और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर का अपडेट भी महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए। विदेश में खालिस्तानी गतिविधियों पर बीजेपी को काफी बड़ी कह सकते हैं कि चुनौती है और इस पर उन्हें नजर रखना होगा। जम्मू कश्मीर में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक सितंबर से पहले चुनाव भी कराना है, जो कि बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज है। अब बात करेंगे इंडिया अलायंस की, जो कि 28 दलों का करीब 28 दल है इस गठबंधन में और ये एक साथ 2024 में बीजेपी सरकार के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ चुनावी मैदान में होंगे। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती इनके सामने यही है कि जिस तरीके से पिछले चुनावों में इन्हें हार मिली है, चाहे वो यूपी में कह सकते हैं सपा को हार मिली हो या कांग्रेस को दूसरे राज्यों में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से हार का सामना करना पड़ा, इसके बाद इन सभी को एकजुट होकर संभालना होगा खुद को और ये बड़ी चुनौती है। दूसरी चीज, राहुल गांधी को अपनी छवि एक दूसरी तरीके से पेश करनी होगी, क्योंकि अब तक का जो उनका फॉर्मूला था वो कुछ खास कामयाब नहीं हो पाया, तो उनको अपनी नई रणनीति आगे पेश करनी होगी। तीसरी बात इसमें यह है कि सीट शेयरिंग फॉर्मूला भी डिसाइड करना होगा, सीट बंटवारा, ये भी विपक्ष के सामने एक बड़ी चुनौती है। वीवीपैट की जो मांग विपक्ष कर रहा है उसको भी कह सकते हैं कि लागू करवाना, ये एक बड़ी चुनौती विपक्ष के सामने है, एनडी अलायंस के सामने। बात करें चुनाव आयोग की, तो चुनाव के सामने भी कुछ बड़ी चुनौती सामने खड़ी होगी, जैसे ईवीएम वीवीपैट का मुद्दा गरमाने के आसार है। विपक्ष 100% मिलान की मांग कर सकता है। सोशल मीडिया और चुनाव प्रचार की निगरानी एक बड़ी चुनौती ईसी के सामने खड़ी होगी। धनबल के इस्तेमाल और मतदाताओं को प्रभावित करने से रोकना होगा, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है चुनाव आयोग के सामने। डीप फेक और चुनाव प्रचार में एआई के दुरुपयोग को भी रोकना जरूरी है, जो कि चुनाव आयोग के सामने एक बड़ी चुनौती है। बात करें कुछ प्रमुख विपक्षी दलों की, तो इसमें देखना होगा कि नवीन पटनायक ओडिशा के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा कर पाएंगे या नहीं, इसी साल ये पता चल जाएगा। बात करें वाईएसआर कांग्रेस की, तो क्या जगन मोहन रेड्डी अपने पिता वाईएस राजशेखर रेड्डी की तरह लगातार दूसरी बार जीत हासिल कर पाएंगे, ये भी 2024 में पता चलेगा। बगल के तेलंगाना में बीआरएस की हार के बाद भी वोटरों को आकर्षित कर पाएगी पार्टी, ये भी एक बड़ी चुनौती होगी वाईएसआर कांग्रेस के सामने। वही विपक्षी तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी से बीजेपी की करीबी बढ़ने पर भी उससे मधुर संबंध कायम रख पाएगी वाईएसआर कांग्रेस, ये भी 2024 में एक बड़ी चुनौती है।
आखिर में कुछ ऐसे विदेश नीति के मुद्दे पर अगर बात करें तो भी सरकार के सामने कुछ बड़ी चुनौती है, जैसे कि भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका में होने वाले चुनावों में साझेदारी बढ़ाने का प्रयास, ये एक सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत के लिए गौरव का विषय है, ये 2024 में ही होने वाला है। इस वार्षिक शिखर सम्मेलन में रूस यूक्रेन युद्ध, ऊर्जा सुरक्षा और अन्य वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होनी संभावित है। इस समझौते को अंतिम रूप देने से दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ने की उम्मीद है, इसलिए ये 2024 में भारत के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।